नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन से 10 दिन पहले अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद सीएम योगी ने सबसे पहले राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स जाकर तैयारियों का जायजा लिया। 5 अगस्त को इसी स्थान पर समारोह का आयोजन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन का मुहूर्त 500 साल के प्रयासों और तमाम संघर्षों के बाद आया है। ये सबसे अच्छा मुहूर्त है, इसलिए अयोध्या में एक बार फिर से दिवाली मनाएं। उन्होंने संतों से कहा कि अयोध्या को त्रेता युग की तरह सजाएं। सभी संत महात्मा अपने अपने स्थान पर 4 अगस्त को अखंड रामायण का पाठ शुरू करें और 5 अगस्त को पूर्ण आहुति दें। मठ मंदिरों में दीप जलाएं और सुंदर कांड का पाठ करें। पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को ले जाना है। अयोध्या के सामने एक अवसर है और अवसर इस बात का है कि दुनिया अयोध्या को जिस रूप में देखना चाहती है, उस प्रकार की क्षमता हम लोगों में है या नहीं है, ये हमें स्वयं अपने आत्मानुशासन के माध्यम से दुनिया के सामने साबित करना है। हम करेंगे, अयोध्या को देश और दुनिया का गौरव प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री जी उस गौरव को प्रदान करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। इसकी तैयारी इस रूप में तैयारी, स्वच्छता पहली शर्त होनी चाहिए। सभी पूज्य धर्माचार्यगण अपने मठ, अपने मंदिर, अपने आश्रम के आसपास प्रशासन पूरी व्यवस्था के साथ साथ अयोध्या में जहां कहीं आश्रम है, मठ है, मंदिर है, गली है, मोहल्ला है, नाली है, सड़क है, खरपतवार भी नहीं रहेगा, गंदगी भी नहीं रहेगी, स्वच्छता का ध्यान रख पूरी ध्यान के साथ हमें चलाना है। 100 मुहूर्त के लिए हम सब एकत्र हो रहे हैं। ये तैयारी इस रूप में और प्रयास होना चाहिए कि 4 की रात्रि को भी और 5 की रात्रि को भी हर मठ, हर मंदिर, हर घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम, भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम, दीप जलाएं। कम से कम हम 5 दीप जलाने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं अपने मठ में, मंदिर में। व्यापक कार्यक्रम, अयोध्या का आयोजन ही, दीपावली का आयोजन ही जुड़ा हुआ है अयोध्या से। अयोध्या के बगैर दीपावली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए देश के सभी साधु संतों को राम जन्मभूमि परिसर में बुलाना संभव नहीं है। उन्हें ट्रस्ट की मजबूरी समझनी चाहिए, इसलिए भूमि पूजन का लाइव प्रसारण सुनिश्चित किया गया। इससे पहले सीएम योगी श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे और वहां रामलला के दर्शन कर उनकी आरती की। मंदिर में उन्होंने पुजारियों से बात की। मुख्यमंत्री योगी को राम मंदिर का नक्शा दिखाया गया और निर्माण कार्य से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई। वहीं विश्व युद्ध परिषद भी राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर विशेष प्लान में जुटा हुआ है। वीएचपी ने देश ही नहीं दुनिया भर में राम भक्तों से अपील जारी की है। वीएचपी के महासचिव मिलिंद परांडे ने अपील जारी की। 5 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से देश और दुनिया में सभी संत और महात्माओं से अपील की गई है कि वो अपने आश्रम, मंदिर और तमाम भक्त अपने घर या फिर पास के मंदिर और आश्रम में भगवान की पूजा और कीर्तन करें और प्रसाद बांटें। इसके अलावा अपने अपने इलाकों में अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन को बड़े स्क्रीन पर स्थानीय लोगों को दिखाने का प्रयास करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।